पीडियाट्रिक सर्जरी सबसे पहले पेशेंट को अपना लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, फिक्स एक रूटीन बनाना होगा। अर्ली मॉर्निंग उठने की आदत डालें, ईश्वर दर्शन, सूर्य का प्रकाश और अपने हाथों के दर्शन करके अपनी आइकिगाई फिक्स करें और फिर अपने दिन की शुरुआत करें, जिससे आपके पास एक मोटो रहेगा कि आज का दिन आपको कैसे स्पेंड करना है। ये आपको एंथूस बना के रखेगा और आप उसमें इंगेज रहेंगे और माइंड भी स्टेबल रहेगा। मॉर्निंग में उठने के बाद स्ट्रेस फ्री रहने के लिए आप वॉकिंग, डांसिंग, योगा, मेडिटेशन, टाई ची, स्विमिंग, साइकिलिंग या जो भी आपकी हॉबी हो उसको आप पूरे दिन भर के लिए एंथूस बनाए रखने के लिए यूज करें। आप उसको करें, उसको एंजॉय करें, जिससे बॉडी एंड माइंड दोनों बैलेंस बने रहेंगे। योगा करने से सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि फ्लेक्सिबिलिटी, इम्यूनिटी एंड स्ट्रेंथ के साथ साथ सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस भी इन्हेंस होगा। हार्ट डिसीजेज, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, ज्वाइंट स्टिफनेस और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम को दूर करेगा। आइए अब देखते हैं कि मैं अपने क्लाइंट्स के साथ कौन कौन सी योगासन को ज़्यादा प्रीफर करती हूँ, जिससे उनको बहुत सारे बेनिफिट होते हैं और फिजिकली फिटनेस के साथ साथ वो मेंटली भी अपने आप को कॉन्फिडेंट और हैप्पी फील करते हैं। फूड मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हेल्दी ड्रिंक्स के साथ दिन की शुरुआत करें, जैसे एलोवेरा आंवला जूस हो गया, करी पत्ता जूस हो गया, पुदीना लौकी जूस हो गया, लेमन ग्रास, कोरिएंडर जूसेस हो गए। फिर एनर्जी के लिए सोक्ड आमंड, रेजिन्स, वॉलनट ये लीजिए। ब्लैक टी या लेमन टी के साथ एक दो रस्क ले सकते हैं। नाश्ते में बॉइल्ड एग्स हो गए, सेमी बॉइल्ड स्प्राउट्स हो गए, इडली पोहा, घर का बना हुआ नाश्ता ज़रूर लेना चाहिए। और कार्ब्स आपके नाश्ते में होना ही चाहिए, कार्ब्स को आप टोटली अवॉइड मत करिए, क्योंकि ये आपको पूरे दिन भर के लिए एनर्जाइज करके रखता है। फूड में आपको प्रोटीन, कार्ब्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, फाइबर के अलावा जो ध्यान देने वाली बात होती है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड इलेक्ट्रोलाइट को भी नज़रअंदाज ना करें। सिर्फ प्रोटीन डाइट पर ही ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप यदि बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट नहीं करते हैं या आपका डाइजेशन वीक है तो प्रोटीन कई बार डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। सेकंड बहुत इम्पॉर्टेंट है इनटेक ऑफ फाइबर या रफेज। कभी कभी वेट मैनेजमेंट के लिए लोग बहुत ज़्यादा फाइबरस फूड लेना शुरू कर देते हैं, तो कई बार एक्सेस ऑफ फाइबर भी इनडाइजेशन बना देता है। तो फाइबर के साथ कोई भी लुब्रिकेंट जैसे वर्जिन कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, फ्लेक्सीड ऑयल या कोई भी एडिबल ऑयल आप ज़रूर मिक्स करके लें, जैसे इंटेस्टाइन में ड्राइनेस की प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इसको कभी भी नज़रअंदाज ना करें। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सनफ्लावर, सेसेमी सीड्स, फ्लेक्सीड, पम्पकिन सीड इसमें मिल जाता है, तो ये छोटी भूख के समय इसको लेना बहुत अच्छा रहता है। इलेक्ट्रोलाइट्स भी बराबर लेते रहें। ध्यान दें कि मील्स को 7 to 8 कोर्सेज में डिवाइड करें